हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति, जो कि एक ऐतिहासिक क्रांति थी। उस क्रांति के कौन कौन से कारण थे, समाज कितने वर्ग में बटा था, किस वजह से लोगों ने क्रांति किया तथा उसके जो घटनाएँ हैं उनका हम इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो समझने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको कि जो फ्रांस की का समाज था, इसकी सोसाइटी थी, इसके तीन स्टेट थे। पहला स्टेट था ऐसा स्टेट जो कि पादरी वर्ग था, जो कि धर्म के पुरोहित माने जाते थे और वो कोई भी टैक्स नहीं देते थे तथा इनको स्पेशल फैसिलिटी स्टेट के द्वारा मिली हुई थी, राज्य के द्वारा मिली हुई थी। दूसरा वर्ग था नोबेलिटी यानी जो सामंत वर्ग था। सामंत वर्ग राजा के रिलेटिव होते थे, राजा से संबंधित लोग होते थे तथा इनको भी स्पेशल फैसिलिटी स्टेट के द्वारा मिली हुई थी। और तीसरा वर्ग आता था जो कि थर्ड स्टेट में आता था, जिसमें बिजनेसमैन थे, लॉयर थे, टीचर थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल वर्कर थे, लेबरर थे। ये सारे लोगों का एक वर्ग था जो इस समाज में निम्न तीसरे स्टेट में आता था, थर्ड स्टेट में आता था। और यही स्पेशल रूप से समाज का जो तीसरा वर्ग था, ये राज्य के कोष का आधार था, यानी इन्हीं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। अब बात करते हैं कि जो फ्रांस में लुई वंश का शासन था, लुई 14वां, जो कि ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। यानी क्या है, वो कहता था कि मैं राज्य हूँ, यानी मैं ही सिंबल हूँ राज्य का और मेरी इच्छा जो है वो ही कानून है। तो उसके समय में तो राज्य काफ़ी मजबूत था, लेकिन लुई जो 15th आया, लुई 15वां आया, उसके समय में जो शासन व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई। वित्त जो राज्य का राजकोष था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। उसकी पत्नी थी वो काफ़ी अय्याश टाइप की थी। राजा और रानी जो कि जनता के सुख दुख से कोई लेना देना उनका दोनों का नहीं रहता था, और इस कारण पूरा कोष खाली हो गया। जब लुई सोलहवां राजा बना तो उसके समय राजकोष पूरी तरह से खाली था। और राजा ने क्या किया कि 2-3 वित्त मंत्री बदले, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बदला। तो राजा के सलाहकारों ने कहा कि स्टेट जनरल नाम की जो प्राचीन संसद थी, राजा के सलाहकारों ने कहा कि उसका अधिवेशन बुलाया जाए और नवीन टैक्स जो नए नए कर हैं उन सबकी संस्तुति उससे ले ली जाए, जिससे कि राजकोष को किसी तरह भरा जा सकता है। अब यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है कि जो स्टेट जनरल नाम की जो संस्था थी, जिसका पिछले कई वर्षों से अधिवेशन नहीं हुआ था, और जैसे ही राजा ने उस स्टेट जनरल को का अधिवेशन बुलाया, तो स्टेट जनरल में 3 तरह के लोग थे। पहले पादरी लोग थे, 3 स्टेट थे उसमें, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और तीसरा थर्ड स्टेट था। तीनों अलग अलग स्थान पर बैठते थे, जिसमें जो 2 वर्ग थे क्लर्जी मैन और नोबेलिटी, वो तो अपने अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन तीसरा वर्ग था उसने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे। और उसने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि स्टेट वाइज जो वोटिंग होती है उसको न करके पर्सन वाइज वोटिंग हो। इसका दोनों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट दोनों ने इसका विरोध किया। इस तरह से थर्ड स्टेट ने वहाँ से वॉकआउट कर गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और उन्होंने शपथ लिया। टेनिस कोर्ट की शपथ लिया कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, चाहे हमारे विरुद्ध संगीने दागी जाए। राजा ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट में वो वहाँ से नहीं गए। यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब क्रम से इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी 3 स्टेट में, इसके 3 स्टेट थे,
जिसमें क्लर्जीमैन हो गए, नोबेल्टी हो गई, और थर्ड स्टेट में मैंने आपको बताया बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे, लॉयर थे, पीजेंट्स आर्टिसंस थे, और स्मॉल पीजेंट्स से लैंडलेस लेबर थे और सर्वेंट थे। इन तीनों से मिलकर के उस समय फ्रांस जब क्रांति हुई उस समय तीनों स्टेट ये मिलकर के एक फ्रेंच सोसाइटी का गठन करते थे। बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ सोसाइटी उस समय जो कंडीशन थी सोसाइटी की वो क्या थी, वो मैं आपसे बताऊं कि सब्सटेंसेस क्राइसिस पहली थी कि जो आपदा यानी जो इकोनॉमिक आपदा जो लोग थे केवल दो ही कैटेगरी वाले जो थर्ड स्टेट था दो कैटेगरी वाले लोग तो कोई टैक्स देते नहीं थे उनकी जिंदगी बहुत ही मजे से कट रही थी लेकिन जो थर्ड स्टेट था उस पर लगातार टैक्स बढ़ते जा रहे थे राजा के द्वारा कोई स्पेशल फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती थी इसलिए जो थर्ड स्टेट था उनके लिए बहुत जीना मुश्किल हो रहा था। तो सब्सटेंस क्राइसिस मतलब क्या होते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस थी ये सबसे बड़ी एक कंडीशन ये थी। एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द बार्बर किंग जो बार्बर किंग थे बार्बर किंग ने क्या किया उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो एक्स्ट्रावेगेंट थे काफ़ी खर्च करते थे अत्यधिक शान शौकत पसंद करने वाले राजा थे जिसके कारण पूरा जो खजाना था वो खाली हो चुका था और प्रोलॉन्ग वॉर डेट कॉस्ट टू सपोर्ट ऑफ द अमेरिका वॉर इंडिपेंडेंस जो फ्रेंच किंग थे उन्होंने क्या किया जो अमेरिका में उस समय सिविल वॉर चल रहे जो अमेरिका में जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था उसके लिए फ्रांस के किंग ने उसका सपोर्ट किया और वहाँ पर पार्टीशन वहाँ पर क्या किया उसका सपोर्ट करने के कारण जो रेट था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था वार के कारण और अमेरिका के सपोर्ट करने के कारण इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो नीचे गिरती चली जा रही थी। और अगला जो रीजन था प्रिविलेज ऑफ द बेसिस ऑफ द बर्थ राइट जो बर्थ के आधार पर स्पेशल फैसिलिटी लोगों को दी जाती थी वो यहाँ पर मिलती जा रही थी। कंडीशन ऑफ ये सोसाइटी के कंडीशन बनी हुई थी कि जो बर्थ जन्म के आधार पर जो उच्च श्रेणी में उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी जबकि टैलेंट का कोई यहाँ पर योगदान नहीं था टैलेंट से कोई लेना देना नहीं था जो बर्थ के आधार पर स्पेशल फैसिलिटी लोगों को प्राप्त थी। तो ये तो मैंने बताया आपको कंडीशन थी सोसाइटी की। सोसाइटी में तीन वर्ग थे और सोसाइटी की कंडीशन ये थी कि यहाँ पर क्या था इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी जो राजकोष था पूरी तरह से खाली हो चुका था और लगातार रेड जो डेब्ट है वो बढ़ता जा रहा था अमेरिका का वार जो इंडिपेंडेंस चल रहा था उसकी उसके सपोर्ट के कारण और लोगों को जन्म के आधार पर विशेष फैसिलिटी मिली हुई थी। ये तो हो गई आपकी अब बात करते हैं इसमें काजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे कौन से काजेज बन गए कि जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो मैं आपको बता दूं कोई भी क्रांति होती है कोई भी रिवॉल्यूशन होती है उसमें दो तीन तो आप अपने से लिख सकते हो जैसे इकोनॉमिक काजेज होता ही होता है पॉलिटिकल काजेज होता ही है इकोनॉमिक काजेज हो गया पॉलिटिकल काजेज हो गया सोशल काजेज हो गया सामाजिक कारण हो गया राजनीतिक कारण और इसमें और ये देखिए इसमें पॉलिटिकल काजेज हो गया इकोनॉमिक काजेज हो गया और सोशल काजेज भी होता है सोशल काजेज हो गया और इमीडिएट कुछ काजेज भी होते हैं रोल ऑफ और फिलासफर जो होते हैं उनका भी रोल होता है इसमें। तो चलिए सोशल काजेज में आपको बताऊं कि सोशल काजेज में क्या था जो समाज का डिवीजन था उसमें इक्वलिटी नहीं थी उसमें भेदभाव होता था समाज कई वर्गों में बटा था कुछ वर्ग एकदम नीचे जिसकी कंडीशन बहुत बुरी होती चली जा रही थी तो कोई एक वर्ग उच्च फैसिलिटी प्राप्त करता जा रहा था इसके कारण क्रांति के लिए माहौल पूरा बन गया। बर्थ प्रिविलेजेज मैंने बताया कि जन्म के आधार पर बहुत से लोगों को स्पेशल फैसिलिटी मिल जाती थी उच्च वर्ग में जो पैदा हुआ व्यक्ति होता है अयोग्य होते हुए भी उसकी उसको कहीं कोई क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता था जबकि एक योग्य व्यक्ति को भी बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी उसको बहुत क्राइसिस झेलनी पड़ती थी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती थी जिसके कारण एक सोशल काजेज ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बना। अगला था पॉलिटिकल काजेज जो वीक रूलर्स थे लुई 15th के बाद लुई 15वां के बाद कोई भी लुई 15वां तथा लुई 16वां दोनों एक ऐसे राजा थे जिनमें कोई रूलिंग कैपेसिटी नहीं थी उनमें कोई शक्ति नहीं थी उनमें कोई सूझबूझ नहीं थी वो ऐसे किंग हुए जो कि पूरी तरह से कमज़ोर साबित हुए और जनता में उस जो उन राजाओं के प्रति जो फीलिंग थी वो बैड थी
जनता से कोई लेना देना नहीं था, जनता का कोई राजा से कोई लगाव नहीं था। तो इसके कारण क्या हुआ, पहला रूल होता है वीक रूलर्स, दूसरा होता है पुअर पॉलिसी। लुई सिक्सटींथ ने क्या किया, जो उसकी पॉलिसी थी उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कार्य में सक्सेस नहीं हो पाया कि वो अपनी पॉलिसी के आधार पर जो शासन व्यवस्था गड़बड़ा रही थी उसको संभाल सके। तो जो उसकी पॉलिसी थी वो भी पॉलिसी भी लुई सिक्सटींथ की नहीं, पुअर थी, इसके कारण फ्रांसिस क्रांति के लिए माहौल बन गया। इकोनॉमिक काजेज में एम्प्टी ट्रेजरी, जो राजकोष था पूरी तरह से खाली था, उस राजकोष में इतना पैसा नहीं था कि सेना को पैसा दिया जा सके, सेना का वेतन दिया जा सके और जो शासन व्यवस्था उसको मेंटेन किया जा सके। इसलिए राजा क्या करता था, राजा ने सोचा, और राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दो जो वर्ग थे क्लर्जीमैन और नोबिलिटी थी, राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे टैक्स ले सके, उनकी प्रॉपर्टी को ले सके। तो वो तो थर्ड स्टेट पर ही लगातार बोझ लादने की कोशिश करता रहा, जिसके कारण क्या हुआ, जो इम्पटी थी वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वार डेट लगातार युद्ध भी फ्रांस करता रहा अन्य देशों के साथ, तो इसके कारण वार का जो डेब्ट है, ऋण है, वो बढ़ता जा रहा था। और क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, इसी दौरान क्या हुआ, अकाल पड़ गया, राजा ने कोई अपनी मदद नहीं किया, जनता जो किसान थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी जो कंडीशन है और बुरी होती चली गई, उनके लिए खाने के लिए नहीं था और राजा उनसे टैक्स वसूल रहा था, इसके कारण ये भी क्रांति के लिए माहौल बना। तीसरा कारण इमीडिएट कारण होता है, जो कि तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण मैंने आपको बताया कि प्रपोजल ऑफ द इंक्रीज टैक्सेज इन 1789 में जो स्टेट जनरल नाम की जो संसद थी उसका अधिवेशन बुलाना राजा के लिए तत्कालीन कारण बन गया। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रपोजल टैक्स लगाने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा, दो स्टेट दे नहीं रहे थे ऑलरेडी पहले से टैक्स, तो जो थर्ड स्टेट था उसने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इंसिस्टेंस ऑफ लुई सिक्सटीन्थ ऑन द स्टेट वाइज वोटिंग इन द स्टेट जनरल, और जो स्टेट वाइज वोटिंग हो रही थी, राजा कह रहा था कि स्टेट वाइज वोटिंग हो, थर्ड स्टेट है तो तीन स्टेट वाइज वोटिंग होगी, तो जो थर्ड स्टेट था उसमें जनसंख्या ज़्यादा थी, उसमें संख्या ज़्यादा थी लोगों की, तो अगर पर्सन वाइज होता तो उसकी विजय होने के चांसेस थे, लेकिन अगर स्टेट वाइज होगा तो इससे क्या होगा, उससे जो है विजय दोनों वर्गों की हो जाएगी और थर्ड स्टेट हार जाएगा। तो इस वजह से ये इमीडिएट कारण था। और चौथा कारण, इसमें पाँचवा रीजन जो था वो था रोल ऑफ द फिलोसफर्स। इस दौरान कई ऐसे फिलासफर आए जिन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए दर्शन दिए, नए जो विचार थे उन विचारों के लिए उन्होंने जनता के बीच अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि जो राजा देवता का, भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, राजा का विरोध नहीं किया जा सकता, ऐसे विचारों के प्रति उन्होंने तर्क दिया, रीजन आया तर्क, उस तर्क के आधार पर उन्होंने क्या किया, जनता के बीच अवेयरनेस पैदा किया, जनता ने क्या किया, उनको जागरूक किया, जनता अपने अधिकारों के लिए तैयार हुई, अपने जो राइट्स थे उन सब के बारे में जनता के बीच अवेयरनेस आई, जिसके कारण जैसे इसमें आप देखें इग्नाइटेड पीपल माइंड, जो लोगों के दिमाग में ज्वलंत, जो जागृत किया लोगों के माइंड को फिलासफर ने, टॉक बर्थ राइट, और जो फिलासफर थे उन्होंने बात किया कि जो बर्थ राइट है उसे नहीं होना चाहिए, व्यक्ति जन्म से एक समान होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, तो जो बर्थ राइट था वो बर्थ राइट नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की योग्यता ही उसका उसकी फैसिलिटी का सिंबल होना चाहिए। अगला, उन्होंने प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इन जो फिलासफर थे इन्होंने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए एक मॉडल उन्होंने जनता के सामने प्रेजेंट किया, जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर जो शासन का मॉडल होना चाहिए ये प्रेजेंट किया जनता के सामने। तो ये सारे रीजन मिलकर के कारण काजेज बन गए, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए पूरी तरह से माहौल बन गया। अब मैं बात करूंगा कि इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, कौन कौन सी फ्रेंच रिवोल्यूशन में इवेंट हुई वो मैं आपको कहीं से बात करूंगा। तो पहला था कि 5 मई 1789 को लुई सिक्सटीन कॉल द मेंबर ऑफ द स्टेट जनरल इम्पोज न्यू टैक्सेस। 5 नवंबर 1789 को जो स्टेट जनरल थी उसका अधिवेशन 5 मई 1789 को लुई सोलहवा ने स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया, और मेंबर ऑफ द जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने डिमांड किया पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग। जो थर्ड स्टेट था उन्होंने क्या किया कि पर्सन वाइज
स्टेट वाइज ना करके पर्सन वाइज वोटिंग की जाए। तो लेकिन राजा ने क्या किया, किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट की डिमांड थी राजा ने उसको डिनाई कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली इन द प्रोटेस्ट, और जो थर्ड स्टेट के तृतीय जो क्षेत्र थे, तृतीय वर्ग था, उसके जो मेंबर थे वो वॉकआउट कर गए, संसद से बाहर निकल गए। और ऑन 20 जून और 20 जून को 1789 को दे गेटर इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल एंड कॉल्ड देमसेल्फ एट द नेशनल असेंबली, दे डिमांडेड टू कर्टेल द पावर ऑफ द किंग। और इस तरह से जो तीसरा वर्ग था वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गया, वर्साय के पास था टेनिस कोर्ट, और वहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि हम राजा के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। और वहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे चाहे जब तक कि हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, चाहे हमारे विरुद्ध संगीने दागी जाए, यानी हमारे विरुद्ध गोली क्यों न चलाया जाए। तो ये था 20 जून 1789 को। और किंग ऑर्डर ट्रूप्स, और तब राजा ने आदेश दिया टू मूव इन द पेरिस, इन पेरिस, पेरिस की तरफ मूव करने के सेना को आदेश दिया, विच एंगर्ड नेटिव्स, जिससे क्या हुआ सेना को आदेश दिया उनको पकड़ने के लिए, जिससे सेना मूव करी तो लोगों ने भी देखा तो लोगों के अंदर एंगर्ड हो गए, गुस्से क्रोधित हो गए लोग, नेटिव्स एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ द बास्टिल, और इस तरह से लोगों ने क्या किया बास्टिल पर अटैक कर दिया, वहाँ के बंदियों को छुड़ा दिया, उसका दरवाजा तोड़ डाले और वहाँ के जितने कैदी थे उन सबको बाहर कर दिया। अब इसके मीन वाइल बैड हार्वेस्ट इन द कंट्री साइड लेड टू रोटिंग ब्रेड एट मेनी प्लेसेज इन पेरिस, और इसी दौरान क्या हुआ कि जो सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, जो हार्वेस्ट का डैमेज हो गई थी, पूरी तरह से हार्वेस्ट खत्म हो गई थी, जिसके कारण लोगों के कंट्री साइड गाँव में क्या हुआ, गाँव में रोटी के लिए लोग सड़कों पर बैठने लगे कि तो ये रोटी क्या हो गई, एक रिवोल्यूशन का सिंबल जैसे बन गया। और इस तरह से ये क्रांति पूरी तरह से शुरू हो गई। और इस तरह से 14 जुलाई 1789 को फॉल ऑफ द बास्टिल सिंबल ऑफ द ट्रेजरी डिस्ट्रॉयड, 14 जुलाई को ही 1789 को जब बास्टिल जो कि सिंबल था एक शक्ति का, क्रांतिकारी एक जो शक्ति का यानी आतंक का जो सिंबल था बास्टिल, उसको पूरी तरह से जनता ने क्या किया, जनता जो भीड़ थी उन्होंने बास्टिल का, बास्टिल पर अटैक करके उसके दरवाजों को तोड़ डाला 14 जुलाई को, जो कि 14 जुलाई को बास्टिल का पतन हुआ, जो कि आतंक का प्रतीक था और उस समय से जो आतंक का सिंबल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए आज भी 14 जुलाई को ही फ्रांस में क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इस तरह से फ्रांस की क्रांति सक्सेस हुई, राजा को बंदी बना लिया गया और बाद में उसे मौत की सजा दे दी गई। नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 1791, और नेशनल असेंबली जो कि थर्ड स्टेट था उन्होंने 1791 में नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। बाद में एक इसी में वर्ग में से जो जैकोबिन क्लब निकल कर आया, और जैकोबिन क्लब जो कि रॉबस्पियरे जो कि इसके हेड थे, उन्होंने काफ़ी दिनों तक 2 सालों तक लगभग शासन किया। और ये जो कि 10 अगस्त 1792 को बाद में फिर क्या हुआ 93-94 तक इन्होंने रॉबस्पियरे ने शासन किया रुथफुली, लेकिन इसे भी जनता ने पसंद नहीं किया। और इस तरह से 10 अगस्त 1792 को रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या किया गया रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। फ्रांस 21 सितंबर 1792 को डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि 93-94 तक तो रॉबस्पियरे ने शासन किया, बाद में 26 अक्टूबर 1795 को एक डायरेक्टरी बनाई गई, 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें जो शासन चलाने लगी, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्टा का उदय हुआ और उसने डायरेक्टरी को का एंड कर दिया और अपने आप को उसका काउंसिल का हेड बनाया। 1799 में इसने डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1799 के बाद खुद काउंसिल का हेड बन गया, और बाद में उसने उसको भी भंग करके 1804 में वो एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया राजा। ये नेपोलियन ऐसा था, नेपोलियन बोनापार्टा जो कि एम्बिशियस था, काफ़ी इसके अंदर ये फीलिंग थी कि मैं फ्रांस को पूरे यूरोप में एक पावरफुल स्टेट बनाऊंगा, इसलिए इसकी जो नीतियां थी कुछ नीतियां तो अच्छी थी लेकिन कुछ नीतियां ऐसी थी जो कि फ्रांस को एक बार फिर से
फाल यानी नीचे गिराने में इसका काफ़ी योगदान रहा। जैसे कि इस एम्बिशियस होने के कारण इसने फैसिलिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड की, लेकिन ये अपनी विजय जो एम्बिशन थी उसके कारण पूरे यूरोप में शासन करना चाहता था। इसलिए हर व्यक्ति को उसने क्या किया, कहा कि हर व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन करे, हर व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करे, मिलिट्री ज्वाइन करे, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो जो इच्छुक नहीं था उसको भी जबरदस्ती फोर्स्ड किया कि वो आर्मी ज्वाइन करे। और इस तरह से इसने क्या किया, बाद में जो इसकी पावर है शक्ति बढ़ती चली गई, तो अन्य राष्ट्रों ने मिलकर के इसके साथ फिर वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध में इसको बंदी बना लिया गया और बाद में बंदी बनाकर सेंट हेलेना आइलैंड इसको भेज दिया गया, जहाँ इसकी लगभग 1822 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो वैसे कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट डबल माइंडेड था, कभी नहीं सोता था, एक कभी मतलब सोता था, एक दिमाग उसका सोता रहता था और एक दिमाग युद्ध करता रहता था, हमेशा विचार करता था। तो डबल माइंडेड होने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अपने देश इंडिया की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे डबल माइंडेड। डबल माइंडेड कैसे, जैसे वो कोई भी मैटर लिखते रहते थे और आपसे दूसरे मैटर पर चर्चा करते रहते थे, तो ये डबल माइंडेड का सिंबल है। इसका जो सिंबल था कि नेपोलियन कभी भी थकता नहीं था, एक दिमाग उसका सोता रहता, एक दिमाग युद्ध करता रहता। और इस तरह से इसका एंड हो गया। 1815 ईस्वी में वाटरलू के वार के साथ ही नेपोलियन का एंड हो गया। और फ्रांस में फिर क्या हुआ, 1848 ईस्वी में स्लेवरी सिस्टम जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म किया फ्रांस ने, और लगभग हमारे देश के साथ ही 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। लेकिन 1946 में जाकर वहाँ पर महिलाओं के लिए वोट का राइट्स मिला। अगर इसकी पहले बात करें तो केवल जो एक्टिव लोग थे उनको वोटिंग का राइट्स था, जैसे जो पे जो एक्टिव पर्सन थे, जैसे जो टैक्स पे करते थे, जो 25 साल के ऊपर रहते थे, या जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते थे, ऐसे लोगों को केवल वोटिंग का अधिकार था। लेकिन बाद में 1946 तक महिलाओं को यहाँ पर वोटिंग का अधिकार नहीं था, बाद में 1946 के बाद महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो चलिए स्टूडेंट, ये पूरा मैटर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आज बस इतना ही, नमस्कार।